महानगर में डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम द्वारा लगातार सभी मोहल्लों में फॉगिंग, सैनिटाइजेशन सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जा रही हैं, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए नगर निगम पूरी तरह से कटिबद्ध है और लोगों को साफ सफाई के साथ अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही है। नगर आयुक्त ने कहा कि डेंगू से बचने के लिए अपने घरों में पानी को इकट्ठा न होने दें, जिससे डेंगू का लार्वा फैलने ना पाए। इसके अलावा नगर आयुक्त ने कहा कि महानगर में टीम बनाकर डेंगू के प्रभाव के रोकथाम के लिए कार्य किया जा रहा है, जिससे डेंगू के फैलाव को रोका जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, डेंगू को लेकर क्या तैयारी? देखिए, डेंगू पे संचारी रोग नियंत्रण अभियान के संबंध में बताना चाहूंगा कि आपको याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने राप्ती नगर में डॉक्टर सिंक्लेव के बगल में ही वहाँ से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत कराई थी। हमने प्रत्येक जोन में, हमारे 5 जोन हैं और 5 टीमें वो बनाई हैं कि जो डेली सुबह शाम वहाँ पे सैनिटाइज कराते हैं, चूना और मेल्थियन घोल का छिड़काव करा रहे हैं, एंटी लार्वा का छिड़काव करा रहे हैं और शाम को फॉगिंग कराते हैं। इसके अलावा हमारे पास 3500 के करीब जो हमारे सफाई कर्मी हैं, उनको विशेष सफाई अभियान चलाए जाने का निर्देश दिया गया है। हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, उपनगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय और सभी जोनल ऑफिसर, सभी जोनल इंस्पेक्टर मिलकर जो है लगातार इस बात पर कोशिश कर रहे हैं, कहीं पर भी जो टायरों में, खुली जगहों पर, घरों में, कूलर में, गमलों में या किसी बर्तन में पानी ना इकट्ठा होने पाए, जहाँ पर कि जो है इस प्रकार के जो लार्वा हैं, मच्छर के लार्वा, वो पैदा हो सकें। इसके इस प्रकार की मतलब प्रयास चल रहे हैं कि सफाई की जो उच्च कोटि का सफाई की व्यवस्था बनी रहे और जो रेगुलर हमारा जो है इस पे जो है रेगुलर जो हमारा है छिड़काव होता रहे और सैनिटाइज होता रहे। तो छिड़काव के साथ साथ, सैनिटाइज के साथ साथ फॉगिंग भी हम लोग अनिवार्य रूप से करा रहे हैं और पूरी टीम लगा दी गई है। डेली हम लोगों ने इसके लिए ग्रुप बना रखा है, जिस ग्रुप में पूरी सूचनाएं शाम को पूरे फोटोग्राफ्स आ जाते हैं, सभी लोग इसको देखते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग डेंगू को लेकर बहुत ही सजग हैं और इसके अलावा जो हम लोग है गोलियाँ भी जो हमको मिली थी क्लोरिन की, गोलियाँ भी बंटवा रहे हैं। हमने पंपलेट से बंटवाए हैं जिस पर लिखा हुआ है कैसे आपको गर्म पानी को, इन दवाइयों को खाना है और गर्म पानी को कैसे पीना है, क्यों मतलब पीना है गर्म पानी को, इसके संबंध में विस्तार से सबको बताया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो यहाँ की स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल है और हम इसे किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ने देंगे।